फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैंने आपको बताया कि एट सी लेवल, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101.30 पास्कल। आज हमने पढ़नी है इसमें वेरिएशंस कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज क्या आता है। ये है सी लेवल पे, लेकिन जैसे ही आप जो है वो मूव करते हैं अपवर्ड अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर अबव मूव करते हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रह जाता है आपका ओनली 1000 पास्कल। क्या आया इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही अगर हम चले जाएं जहाँ पे नो एयर प्रेजेंट, जैसे ही कोई एयर प्रेजेंट नहीं होगी, इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पे, जीरो। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा है, 30 किलोमीटर पे अगर हम जाएं तो वो 1000 रह जाता है, और जहां पे कोई एयर नहीं होगी वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं देखूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजिंग्स आती हैं, लाइक कभी प्लेजेंट, अचानक से प्लेजेंट सा वेदर हो जाता है, कभी अचानक से डस्ट फॉर्म आ जाता है, कभी देखते हैं हो जाती हैं, तो ये सब कुछ जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें चेंजिंग्स के साथ आता है। अच्छा जी, अगर मैं देखूँ सबसे पहले क्या है इसमें कि ऑन अ हॉट डे, ऑन अ हॉट डे एयर अबव द अर्थ बिकम्स हॉट एंड एक्सपेंड, दिस कॉजेज अ फॉल ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन दैट रीजन। हॉट डे पे क्या होता है कि एयर जो है वो जो गर्म होके एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, ठीक है, गर्म होके क्या होती है, फैलना शुरू हो जाती है, और एटमोस्फेरिक प्रेशर जो क्या होता है वहाँ पे, फॉल ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन दैट रीजन कम हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें ड्यूरिंग चिली नाइट्स, इसके ऑपोजिट चले जाएं, ड्यूरिंग चिली नाइट्स एयर अबव द अर्थ कूल्स डाउन, दिस कॉज एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से इसके ऑपोजिट चले जाएं तो, अच्छा अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप, ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर मीन्स अ लोअर प्रेशर इन द नेबरिंग लोकेलिटी। उसके बाद हमारे पास है अ माइनर बट रैपिड फॉल, माइनर बट रैपिड फॉल इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट अ विंडी एंड शोरी कंडीशन इन द नेबरिंग रीजन, एंड इंक्रीज एटमोस्फेरिक प्रेशर अकम्प्लिश्ड बाय द ब्रीज एंड रेन वेयर अ सडन फॉल इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर often is followed by a strong rain, a typhoon or to occur in a few hours time. Next है अगर इसमें increase आ जाए atmospheric pressure में with the decline later on predicted and intense weather condition. A gradual and large increase atmospheric pressure indicate a long spell of pleasant weather. The last topic is a rapid increase atmospheric pressure followed by a decrease in the atmospheric pressure indicated bad weather ahead. This is the end of the topic and have to learn it according to the points.